रिंशा मेरा पुत्र, मैं थोड़े दोवे भैणा नाल गल करनी, सारा तू भी सुन ले। तुहान पता है कि मैं तुहान केड़ा औखिया पालिया, केड़े केड़े जतन करके मैं तुहान पालिया। प्यो थोड़ा है वह भी तुहान पता अगे एक लात लो मजूर है, तो तुम हूँ घरों बहर ना गई करो। थोड़े अगे जो सह उलामे मैं ना गया ना, तो हूँ इस तो अगे कोई तुम घरों नहीं निकलना, घर बह के खाना तुम। असि जिम्मे भी होगी औखे होगी सौखे होगी, असि तुम घर रोटी देने। अम्मी जी बस करो, हर वक्त समझाना हर वक्त समझाना। हूँ असि बच्चे नहीं वे सारे हैं, जवान है तो सानू पता है, समझदार है। हाँ अम्मी जी, रिमशा आपी सही पी आंदी है के रोटी की जगह लैक्चर दें दे हर वेले, हर वेले नहीं आंदा है काम। तू मेरी बच्चियां नू परेशान करनी है, पर रब राजक है किधर ना किधर लभ ही जाता है। हाँ मैं तो इन्हें समझेंदी प्याज पे घरों बाहर ना गई करो। वो जान देने अपना पिंड इन्हों का, अपना घर अपना ग्रां फिरन दे अगर ना मना करे कर। खावर आज तन पता है भी जिन्हें दा जमाना है लोग गल्ला कर देन। अम्मी जी जेले साढ़े आलू उलामा है उल्ले तुसी सान समझा ले वे एक बारी तो गाल को नहीं होई, तो तुसी हर वक्त सान समझें दे रांदे हो। एक अगे गुरबत दे अथों वो बेचारियां परेशान, तो दूसरा फिरन टुरन नहीं ना फिरन टुरन दे अगर वो छोड़ दे परेशानी वास्ते असी माँ प्यो है। अच्छा चल छोड़, मैं ये दस कुछ खाण नू है। खबर की खाण होना, वो सवेरे नाश्ता इतना ही आई जड़ा मैं ना बच्चियां बना के दे छड़िया। मेहनत यही आई भी चलो तुम शाम को आना कुछ जो पैसे लैके आने न मजदूरी दिहाड़ी दे, तो वह फिर सज्जा जाके दुकान तो लै सगे तो शामी बात खा ले सौ। और मैं अज चौधरी गया स खेत अज अमरूद कोई नहीं लगा मनु, और जिन्ना अमरूद और डिगया सी और सारा कीड़ा पै गया उन्होंने। वह कहना तीन दिन तू असी संभाल के रखते रहे तू नहीं आया, हूँ तीन दिन तू मेरा अगला अमरूद विकता तो मैं चुकाना से जाना। कल मेरा अमरूद सारा विक गया, मैं तेरे सामने लिया के तेन दो दो 250 रुपया आया से मैं तेन दे दिते, और मैं दोबारा गया लैन वास्ते तो अमरूद नु कीड़ा लग गया। खबर हूँ की बन सिया सी ते भुखिया भी वक्त गुजार ले सा ते बच्चियां। तुसी जाओ जा मेरा बच्चा जाके खेले, उठो जाओ। तू पागल तो नहीं, वो बच्चिया ने धियां धियाणियां उन्होंने सामने तू रोटी दी पैसों दी गल्लां करदी रहनी है, एवं उन्होंने परेशान करनी है। खबर मैं तो फिक्र लग गई, हूँ काम भी कोई नहीं, तुहाडा भी काम बंद हो गया, वो ही इतनी मजदूरी तुसी कर लिया जेड़ा असी शामी खा पाते से, तो हूँ मेरिया बच्चिया नहीं भुक्का सोन लगियां। मैं जाना कुछ करके आना, मैं आना मैं कुछ नहीं। खबर तू इत्थे बह ना, बच्चिया तेन पखा शखा जल्दियाँ ना, तो मैं किसी को उधार शुधार लै आनी हाँ, पर की करा गो खबर उधार भी हूं कोई नहीं देंदा बंदा। तू किथे उधार लैण वास्ते जासे बई, तेनू हुण किसने उधार देना है। चल खैर परेशान ना हो, मैं मुथाजी करके कुछ ना कुछ लै। नहीं तू परेशान ना हो, मैं वेनी आ ना, मैं कोई लैण नहीं हुण दा, तो मैं लै आनी आ ना, तो शाम दा वक्त कोई बंदोबस्त कर लवे। चलो ठीक है। मेरा पुत्र प्यो थोड़ा गर्मी तो आया, कोई पखा शखा जलो, मैं आपे वेनी हां। नहीं अम्मी जी असीं तेरे नाल ही जाना, तू ले जा सानू, रल के चले जांदे आं। अल मुड़ तुसीं दोवें मेरे नाल ना आवो सारा पुत्र, तू जा अपने ना अबू पखा शखा जा ले, ठीक है, तो मैं मुड़ रिमशान नाल लै आनी हां। अम्मी जी यार फिर तू रिमशा नहीं लैके जांदी है, मैंने भी कदी लैके गई कर। अला मेरे पुत्र हूं मैं उधार लैन चली हूं, मैं कोई किसी के घर थोड़ी चली हूं। अच्छा अम्मी जी जी चलो जा मेरा बच्चा आ रिमशा। हां मेरा चन पुत्र रोज पूछता मेरे को अबू फार्म दिखाओ जमीन दिखाओ बागात दिखाओ, सारिया जमीन मेरिया यानी मेरे चन पुत्र दिया है। ओ बाग अमरूदा का, ओ कुर्बानिया का बाग,
ते ऐ बाग जेड़ा ना अंबा दा ये सारे तेरे ऐ जेड़े प्लाट पे ने कम से कम दो मुरब्बे जमीन पई है इत्थे मेरा पुत अपनी मर्जी नाल बाग लवाएगा केड़ा पसंद है फ्रूट मेरे बेटे नु ए भी अंबा दा लवा देवे तेरा शाबाश वालेकुम सलाम मैं क्या आज साढ़े रकबे किस तरह कदम मुबारक रखे ने बस मजबूरी पै गई आई तो पता ध्यान बसाई मेरा और घर बैठा और अगे कोई काम करता ही उन्हों दो भी काम खत्म हो गया तो मैं आखिया चलो कोई थोड़ा जो उधार पैसे और ले आनी हूँ तो चलो जिधर हफ्ता एक और निकल जाए बहु बंदा मजबूर होया पाया काम ओदा भी कोई नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੌਸਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸ਼ਜਬੂਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਔਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸ਼ਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਸਟਵਾ ਲਵਾਂਗਾ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੌਸਰ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ अम्मी जी अगर तुसी नाराज ना हो तो मैं अमरूद तोड़ लवा हाँ तोड़ ले मेरा बच्चा तू जा ना इधर नाल कुत्ता शुत्ता ना आ जावे कल्ली है हाँ हाँ सही आदि पी ठीक है ना दिलावर खान जाओ पुत्र जाके ते मोजा मानो खाओ पी सब कुछ पहुंच जाएगा बस दिल छोटा नहीं नहीं दिलावर खान ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਕੌਸਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ नतीजे चाहिए होंगे ने नतीजे अबू जी उठो ना की होया है मेरा पुत्र मनु कठे ही रहन दे नहीं अबू जी उठो ना मंजे ते चलो बहु उठो मैं ते पुत्र अपनी नजर जी कह गया अबू जी की होया है तो तुसी एडा दुखी क्यों हो चलो अला अबू मंजे ते चलो ना आराम नाल अबू जी ध्यान नाल अबू जी की होया तुसी एडा दुखी क्यों हो मेरा बच्चा मैं ते अपनी नजरें च गिर गया अबू जी तुसी रोंदे पए हो उत्तर अपनी नजरें च टह गया अबू जी की होया किवें टह गए हो ते तुसी रोंदे क्यों पए हो मेहनत दसो अबू जी नहीं मैं किसी नहीं दसा अबू जी कोई तो गल हुई है तुसी मेहनत दसो तुसी क्यों रोंदे पए हो अबू जी मैं स्वाडी धीया ना तुसी मेहनत दसो की गल हुई है दसो अबू जी दसो ना की गल हुई है तुसी रोंदे क्यों पए हो दसो मैं अबू जी मेरा बच्चा कुछ सच दसण वाले नहीं आंदे सच सारे दस दो ते जिंदगी नहीं गुजरती मैं तो नहीं दस सकता अबू जी ਦੀ
ਬੂਜੀ ਕਿਤੇ ਖੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ क्यों रोंदे पे हो प्यो दी गल लग के खबर उठ जा मेरे को पीछे हो जा मेरे दूर हो जा अबू जी क्या होया खबर दस तो सही मैं तन कह रहा मनु हाथ ना ला पूरी जिंदगी हो गई है औखे सौखे वक्त आए ना दुख आया सुख आया मैं ते रोनिया नहीं देखिया आज ऐसी केड़ी तेरे अंदर तकलीफ है जिदे वजह तो तू रोंदा पिया भूख तास भी मैं तेरे नाल कट्टी है मैं ते रोनिया नहीं देखिया खबर तू आज क्यों रोंदा पिया मैं दस ना खावर खावर रिमशा तू पूछना अपने प्यों अबू जी सारा तू ही दस ना तू तो घर आना की होया तेरे अबू नी जी मैं खुद को नहीं पता कि अबू की होया है रिमशा तो बो ना तू पूछ अपने अबू को मैं तो बड़ी फिक्र होंदी पई अबू जी दसो तो सही की होया की है कौसर मैं जिंदगी बहुत कुछ वेख्या मैं नहीं रोया मैं गुरबत वेखी मैं नहीं रोया मैं अपनी आँखों नाल अपनी लत्तां टुटदियां वेखियां मैं नहीं रोया मेरे बच्चे रातां नूं भुखे सौंदे रहे मैं नहीं रोया लेकिन अज मेरी गैरत ने मैनूं रवा दिता मेरी गैरत ने मैनूं रवा दिता खबर क्यों जी गल्ला करदे पे तुसी कोसर की गैरत रुआ दिता तुहान किवें कोसर मैं अगर एक कार छोड़ के जाना तो मैनूं मेरियां जवान बच्चियां नजर आईयां इन्हां दा क्या बनेगा ते जे मैं कार च रहना तो मैनूं मेरी गैरत गुआरा नहीं करदी कि मैं इस कार च किस तरह रवां तेरे नाल इक छत थले मैं किस तरह रवां कोसर तेरा ते मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरिया असि हर दुख सुख कठिया से लेकिन कोसर हुण ने इस तू पहले के मैं अपने आप नू कुछ कर लवां या मेरिया जवान बच्चियां खराब हो जावन कोसर तू एक कार छोड़ खावर तू अपने माँ प्यो को चली जा कौसर खावर क्यों जी गल्ला कर दे पे हो बस तू चली जा मैं किवें चली जावा तो ने साल दे वेच छाड़ के जवान बच्चियां छाड़ के खावर ए तुसी किवें दी गल सोच किवें लेगे मैं अपनी बच्चियां दी खातर ते अपनी साल दी खातर ही तेनू कह रहा कि तू मैनू छोड़ के अपने माँ प्यो को चली जा मैं तेनू इत्थे बर्दाश्त नहीं कर सकता नहीं तो मैं मर जाऊंगा मेरा कलेजा फट जाएगा तू चली जा अबू जी क्या जी गल्ला पे कर दे हो अम्मी जी अबू जी की हो गया थानू तुसी सानू गल भी नहीं दस रहे हो ये मैं तुहाडे अगे हाथ जोड़ दी हां साडी मां नू ना कढ़ो अगर ओदी कोई गलती है ना ओ एंदा नहीं होएगी गलती दिशा लेकिन ए जुल्म ना करो साडे ते मेरे पुत्तर मैं अगर तुहानू दस दिता ते तुहाडीआं नजरां च तुहाडी मां दी टके दी इज्जत दी रहेगी ते मैं तुहानू दस नहीं सकता पर इस तरह अबू जी तुसी अम्मी घरों ना कढ़ो असी अम्मी को नहीं जान देना साढ़े ते जुल्म ना करो अबू जी असी अपनी मां दे बगैर नहीं रह सकते हां अबू जी आ वेखो साडे हाथ जुड़े हो तुसी वेखो सान अम्मी ना है तो गलो तुसी कोसर
कौसर मैं अपने इन्होंने जवान बच्चों के अगे मजबूर हो गया। मैं इन्हों का कहना नहीं मोड़ सकता, लेकिन कौसर जिन्हें राव तो तू चल पी है ना, और राव बड़िया खतरनाक है, तू अपना रस्ता दिलावर दिलावर मेरी गल सुन। की होया कौसर? दिलावर आज मैं तेन बड़ी जरूरी गल आखण आई हां। तलक तेरा दिलावर खान नाल होवे ते अखां तेरियां च आंसू होवे, ए अनहोनी किस रोए मैनू जल्दी दस। बस दिलावर खान, ए तलक आज मैं खत्म करन आई हां। खत्म किवें करन आई है? मेरे नाल वेख के गल कर। बस दिलावर खान, तुहान गल कर दित्ती है, आज तो बाद ना मैं तेरे पीछे होणा ते ना ही तू मेरे पीछे होणा। ए नहीं हो सकदा, दिलावर खान तेरे पिछे अपनी चन्ना वर्गी बीवी छड़ी, फुल्लां वर्गी गुलाबां वर्गी बीवी नूं दूर कीता, प्यार करन वाली बीवी, तेरी खातर मैं उहनूं परां कीता, तू मैनूं किस तरह छड़ सकनी है? ए दिलावर खान नहीं मन सकदा, नहीं हजम हो सकदी मैनूं ए गल। दिलावर खान, कौसर वी एक अपने बच्चियां दी खातर ए गलत कदम उठाया है, वरना कदी भी ना ए गलत कदम उठाउंदी। अपने बच्चियां दी खातर उहनां दा पेट पालन वास्ते मैं इस रस्ते ते चली है। दिलावर खान, मेरा शौर मेरे नाल बेइंतहा प्यार करदा ते मैं भी उसे जान देनी हूँ। दिलावर खान आवे, मैं तेरे के हाथ जोड़ दियो, तेरे पैर पकड़ दिया। प्यार ते चंगे च कोई चीज नाजायज नहीं होंदी, गलत नहीं होंदी। मैं सोच भी नहीं सी सकदा कि तू एहो जिहियां गल्लां करेगी, जिंदगी और मरण तक कौल करार मिल जुल के हर शहर वो कितने गए थे। बस दिलावर खान, हुण मैं भुख तो मरना कबूल कर लेना, मेरिया बच्चियां मेरा शौहर भुख तो मर भी गया ना, तो मैं कभी भी गलत कदम नहीं उठाऊं। तू तो कबूल कभी भी नहीं गलत कदम उठाने लगी। तू तो मरना कबूल कर लिया, दिलावर खान ते मर गया दिलावर खान। कौसर कौसर, सारा नदीम तू क्यों परेशान बैठी? कोई नहीं परेशानी, तो तू किधे आया होया है घर? सारा 5 दिन हो गए तेरा राह मैं तकदियां तकदियां थक गया, तू आई नू मेन मिलन, मेरी तो जान ही निकलती पई आई, आज मैं तू ना मिलदी तो मैं मर जाना है। नदीम तू बहुत गलत किता, घर तेन पता है अब्बू भी गए, तो तू क्यों आया? तू ना ही आना, तेन पता है घर इतना काम है, इस दी वजह तो नहीं मैं आ सकी। तेन पता सारा तेरे बगैर मैं नहीं रह सकता, ते मैं तू नजर नहीं आई, इस वास्ते मैं तेरे कोल आ गया। सारा कौन है मुंडा? अबू जी ए ना थोड़ा पता करन आया के अमरूदा दे बारे दे गल करन आया थोड़े नाल। मैं दसदा चाचा जी, ओरा मेरा पता करन आया जी। कौन है भाई तू? मेरा की पूछना आया? चाचा तू अमरूदा दा काम करना ना, हाँ तो मेरा भी एक बाग है अमरूदा का, मैं आके चाचे नु आखा भी आके मेरे को ले लिया कर अमरूद। तेरा बाग है? मैं तो तेन पहली बार वेख्या, कितने वे बाग तेरा? इधर मैं देख तो मैं दस तेरा बाग कितने वे अमरूदा का? सारा कौन है इस तरह हाथ क्यों पकड़े? अबू जी ये थोड़ा ही पता करना आया, मेन को नहीं पता है कौन। अबू जी करिच ਕਾਰਿਸ ਕੇ ਗੁਲ ਖਿਲਾਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਅਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਸ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੋ? ਬੋਲ ਬੋਲ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਸ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੋ? ਨਸ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੋ? ਖਾਵਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਪਿੱਛੇ। ਕੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਸੇ ਕੀ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ? ਬੋਲ ਕੌਣ ਸੀ ਹੋ? ਬੋਲ ਬੋਲ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਖਾਵਰ ਕੀ ਜਾਕਰਿੰ ਤੂੰ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੱਸ ਤੇ ਸੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਚੰਦਾ ਪਿਆ। जवान कुड़ी क्या चाहता है? तो जवान कुड़ी जे गुलछड़े उड़ांदी पी, तैनू नहीं पता की गुलछड़े उड़ांदी पई है? की गल की है? रोला एवे पाया घर दे विच? तैनू मैं की दसां ते तैनू मैं की आखा? ते ओ रिमशा किधर? किधर रिमशा?
अड़दी क्यों पई है किधर रिमशा? ओ ना बोल किधर रिमशा? अम्मी जी ओ ओ बोल ना ओ किसी चोर ना नास गई है। उसमें ना कह के अम्मी अबू ना दसे है। अबू जी खावन खावन जी पानी पानी ले आके सारा। अबू जी कौसर कौसर जा यार इंशाल किधर मिस मेरी इज्जत का सौदा तो नहीं करन चली गई जा पता कर। सारा मेरी बच्ची तू दास ना तेन ते कोई दास के गई होसी कि तेरे इंशा? अम्मी जी मैं तो कोई कुछ भी नहीं दास के गई। कोई छोर आया तो अपने कपड़े चाइस दे निकल दी होई है। मैं तो पता भी कोई नहीं अम्मी जी जे जितना मैं पता ही मैं सो अंदाज चढ़या है तो तू रोकया नहीं कौसर दिलावर? हाँ दिलावर दिलावर मैं तेन मना कीता है कि खबरदार मेरे पीछे आवे तू। तू क्यों मैं जलील करता पिया मेरी जिंदगी तक गई तबाह हो गई। दिलावर तू क्यों आया मेरे घर क्यों करता पिया जिंदगी किसके लिए पूछ के आया तू? तेरी मेरी ते मना करन नु छड़ मैनु दस कौसर मेरा पुत्र किथे? तेरा पुत्र मैं के पता जाके ढूंढ अपने पुत्र नु मैं कोनु नाल थोड़े लेके आंदा। तेनु नहीं पता मेरे पुत्र दा? मैनू यह नहीं सी पता कि तेरी नजर मेरी दौलत तो इलावा मेरी दौलत नू क्रॉस करके मेरे पुत्र ते किथे तेरी दी जिहड़ी उस दिन तू अपने नाल मिला के मेरे रकबे दे विच बाग दे विच लैके आई सी। दस रिमशा किथे? हाँ रिमशा दिलावर तू इत्थों चला जा तू जाके उन्हां नू आपे ही लब अगर मेरी तीवी तेनू लब जे तेनू गोली मार दई लेकिन तो इतो निकल जा निकल जा तू। एक गल याद रख निकलन तू पहले अगर मेरा पुत्र ना मिलया ते मैं किसे दा भी पुत्र दे कोल नहीं लेंदे गया। और जा तू इतो मर गई मेरे दरों रक्षा। मैं ते कौसर इस हालत च नहीं मरना चाहता सा लेकिन तुसा मावा तिया ने मैनू मजबूर कर दिता कि मैं कसर तुसी मैनू मजबूर कर दिता कि मैं पवन तुम्हें की किया पवन अस्सलाम वालेकुम जी मैं हूँ रिमशा हुसैन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर हम एक बार मज़ेदार स्टोरी लेकर आए आप लोगों के लिए जिसमें मैसेज है क्योंकि हम आप जैसे जानते हैं कि हमारी हर स्टोरी सबक आमोज होती है माशर्ती इस्लाह के लिए होती है। ये स्टोरी भी इस तरह से थी कि जो औरतें शादीशुदा होती हैं और जिनके घर पे जवान बेटियां होती हैं और जो गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं लेकिन उनका असर उनकी औलाद पर पड़ता है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। अब जैसे माँ बाप को औलाद देखेगी तो बच्चों ने भी वही चीज़ सीखनी है लिहाजा माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें खुद भी सही रहें। आपने जैसे कि देखा कि मेरा जो वालिद था वो नहायत ही मौजिज़ था शरीफ इंसान था अनथक मेहनत करता था मुशक्कत करता था रोज़ी कमा कर लेकर आता था लेकिन जब उसके घर के हालात ही इस तरह से होंगे तो वो इंसान क्या करेगा वो जीते जी मर जाएगा। लेकिन इसमें हमने आपको दिखाया कि हमारे वालिद साहब जो हैं बहुत ज़्यादा तंग आकर खुदकुशी करें खुदकुशी हराम है। हम आपको ये नहीं कहते कि आप खुदकुशी करें खुदकुशी हराम है और खुदकुशी करनी भी नहीं चाहिए गलत चीज़ है एक आपको बेहतर ये है कि आप इस तरह से करें कि आप अलहदा हो जाएं।
ये रास्ता इख्तियार ना करें, ये कोई सही हल नहीं है इस चीज़ का। बहरहाल ये चीज़ आप लोग करें ही ना कि यहाँ तक नौबत पहुँच जाए गलत करने पर। आप लोग इस चीज़ पे, इस चीज़ से बाज आ जाएं। ऐसी औरतों को सीखना चाहिए कि ऐसी औरतें ये कदम उठाएं ही ना, ये गलत कदम उठाएं ही ना, इस गलत रास्ते पर चलें ही ना, क्योंकि इस पे कुछ भी हासिल नहीं होता किसी को भी। और ये दिलावर सर भी आपसे कुछ कहेंगे। थैंक यू सो मच व्यूअर, बड़ा अहम एक टॉपिक था, बड़ा अहम इशू था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो करप्शन है ना, औरत किसी भी उम्र में है, किसी भी इलाके में है या मर्द है, तो दोनों को ये सोचना भी नहीं चाहिए कोई भी जो है करप्शन है या कोई भी बैड करैक्टराइजेशन है। तो खुदा रहा छोटी सी ज़िंदगी है, इसको आप अच्छा करके जाएंगे तो अगले जहान भी इंशाल्लाह आपका सारा निज़ाम ओके हो जाएगा। तो क्यों आप एक छोटी सी ज़िंदगी को आप गंदा करते हैं, आप करप्शन करते हैं, आप इतना एक वजन ले कर कब्र में चले जाते हैं। तो खुदा रहा किसी भी उम्र में औरत है या मर्द है, ये गैरत सिर्फ औरत पे नहीं आनी चाहिए, मर्द भी अगर बैड करैक्टर है तो वहाँ भी उसको गैरत करनी चाहिए और औरतों को भी गैरत करनी चाहिए। तो इसी तरह ही होता है। तो खुदा रहा करप्शन से बचें, आप जहाँ भी हैं, किसी भी उम्र में हैं, किसी भी इलाके में हैं। तो मैंने यही आपसे कहना था। और जी नाजरीन, फॉलो पर हमारी उर्दू स्टोरीज देखना मत भूलिएगा, उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखें भी करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। बाटा टीवी जिंदाबाद।